हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे पुलअप्स के बारे में। पुलअप्स एक प्रकार की एक्सरसाइज है जो हमारे अपर बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। पुलअप्स एक्सरसाइज को आम भाषा में बीम मारना या बीम लगाना भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक पुलअप्स रोड की आवश्यकता होती है। इस पुलअप्स रोड पर आप अपनी बॉडी का वेट लिफ्ट करना होता है। तो आइए पुलअप्स एक्सरसाइज करने के तरीके और कैसे उसकी शुरुआत करते हैं, इसके फायदे के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने, जैसे कि शुरुआत में जब भी कोई लड़का लगता है अपनी शुरुआत में पुलअप्स लगाने के लिए, तो सबसे पहले उसमें वो ये एक्सरसाइज बहुत काफ़ी हार्ड लगती है। तो इस एक्सरसाइज को ईजी बनाने के लिए डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो आइए दोस्तों, हम उसी के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं। आपको काफ़ी ईजिली टाइप से इसको समझाया जाएगा। तो शुरुआत में सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए हम वार्म अप जरूर करते हैं। तो वार्म अप हमारा हाथों का रहेगा। हमें फुल बॉडी का वेट लिफ्ट करना होता है पुलअप्स रोड पर, तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने हाथों की एक्सरसाइज या वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपने देखी है पहली एक्सरसाइज और ये भी सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे हैं ये। इससे आपके कंधे में कोई भी इंजरी वगैरह नहीं आएगी। ये सेकेंड एक्सरसाइज है। आप इसे कंटिन्यू करते रहें। अब हाथों को रोटेशन करेंगे, इससे क्या होगा, इससे आपके जो कंधे हैं वो अच्छे से बिल्कुल वार्म अप हो जाएंगे। काफ़ी लड़के देखे हैं विदाउट वार्म अप ऐसे ही पुलअप्स लगाने लग जाते हैं, इससे आपके इंजर्ड हो सकते हैं आप कभी भी। तो इसलिए ये गलती कभी ना करें। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप उसके लिए। ये कुछ बेसिक्स एक्सरसाइज हैं जो आपको डेली वेज करने चाहिए। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी इसमें अपने पुलअप्स लगाने में। काफ़ी लड़कों को ऐसे लगता है कि ये पुलअप्स काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू रेपिटेशन में अगर डेली वेज करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली लगाने लग जाओगे। ये सभी कंधों की एक्सरसाइज है जो वार्म अप हो रहा है। आप बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ। आपको अपने कंधों पर फोकस रखना होगा इसमें जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पर हमारा वार्म अप कुछ एक दो एक्सरसाइज और रह रही हैं, वो कंप्लीट होते ही इससे क्या होगा, इससे आप अगर अपने दोनों हाथों को किसी दो चीज़ों के बीच में रखेंगे जैसे आप देख रहे हैं जैसे लड़के को, इससे क्या होगा आपके कंधे पे हल्का सा खिंचाव आएगा। इससे आपके जो जॉइंट्स हैं, जो कंधे के जॉइंट्स हैं, वो अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे, जो अकड़न है वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाएंगी। पहले नॉर्मल आप अपनी कंधे को थोड़ा वार्म अप करने के लिए थोड़ा हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, पुल अप करेंगे यानी कि। ये सभी वार्म अप एक्सरसाइज आपको पुलअप्स लगाने से पहले करनी होगी, कभी भी ये मिस ना करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में आप जैसे कि पुलअप्स लगाने के लिए आप रेडी हो, तो सबसे पहले आपको इस पोजीशन में अपने पुलअप्स को लगाने हैं। अपने पार्टनर की हेल्प से आप कुछ इस तरह सपोर्ट लेंगे और हल्का सा ऊपर की तरफ जाएंगे और बिल्कुल स्लोली इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने अपनी लेग के साथ सपोर्ट लेनी है हल्की सी। अब ये है सेकंड पोजीशन। इसमें क्या है, जब आप पुलअप्स लगाने लग जाएंगे थोड़ा धीरे धीरे, एक या दो जब लगाने लग जाएंगे रेपिटेशन, तो उसमें क्या रहेगा, जो आपका पार्टनर है वो आपकी कमर पे हाथ रखेगा और हल्की सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब ये है हमारी थर्ड पोजीशन। इसमें क्या रहेगा, आप अपनी बॉडी को हाफ लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, आप फुल ना लेके जाएं, आप स्टार्टिंग में हाफ लेके जाएं। इससे आपके हाथों में इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो अब ये है फोर्थ पोजीशन। इसमें क्या रहेगा, पहले आप स्टार्टिंग में हाफ जा रहे थे, अब हाफ से ऊपर की तरफ जाके जाना है आपको। तो दोस्तों हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करेंगे अब। तो हमारी फाइनल जो कंप्लीट पुलअप्स है वो देख लें, ये कंप्लीट पुलअप्स है आपके। तो आप हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। वजन को कम करता है, हाथों की पकड़ को मजबूत करता है, कमर को मजबूत करता है
और दिल को स्वस्थ रखता है। हाइट बढ़ाने के लिए और कंधों को मजबूती देने के लिए, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए और अपनी चेस्ट को अच्छी शेप देने के लिए काफ़ी मददगार हैं पुलअप्स। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात, अगर आपको कुछ भी कहना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में टाइप करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।